खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले की गोगा मेड़ी पुलिस ने दो अलग अलग कार्रवाई कर 27 किलो 200 ग्राम डोडा पोस्त सहित एक देसी पिस्तौल को दो जिंदा और 3 खाली कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने 3 किलो 200 ग्राम पोस्त में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरे मामले में आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। गोगा मेड़ी पुलिस ने दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोगा मेड़ी थाना प्रभारी अजय सिंह ने बताया कि थाना के कार्यवाहक प्रभारी SI राकेश गोदारा ने गश्त के दौरान रोही भरवाना से एक तस्कर को 3 किलो 200 ग्राम डोडा पोस्त सहित गिरफ्तार किया। तस्कर की पहचान दारा सिंह 49 वर्ष पुत्र किशन लाल निवासी भरवाना के रूप में हुई है। तस्कर के खिलाफ गोगा मोड़ी पुलिस ने NDPS में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरे मामले में भी गोगा मोड़ी थाने के कार्यवाहक प्रभारी राकेश गोदारा क्षेत्र की गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि भरवाना निवासी बंता सिंह पुत्र बनवारी लाल पोस्त बेचने का काम करता है और पोस्त बेच रहा। पुलिस ने सूचना के आधार पर बंता सिंह के मकान पर पहुंची तो आरोपी बंता सिंह पहले ही फायर हो गया और पुलिस को तलाशी के दौरान उसके मकान से 24 किलो पोस्त, एक देसी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और 2 खाली कारतूस बरामद हुए। गोगामेड़ी पुलिस ने सभी को जब्त कर थाने ले आई और बंता सिंह के खिलाफ NDPS और आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दोनों मामलों की जांच गोगामेड़ी थाना प्रभारी अजय सिंह कर रहे हैं। पुलिस थाना गोगामेड़ी में कल शाम को दो कार्रवाइयां करते हुए राकेश गोदारा जी उप निरीक्षक पुलिस थाना बादरा द्वारा बतौर कार्यवाहक थानाधिकारी पुलिस थाना गोगामेड़ी ने भरवाना गांव में एक अवैध डोडा पोस्त जब्त किया है। पहली कार्रवाई के अंदर दारा सिंह आरोपी है, उसके कब्जे से 3 किलो 200 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया है। जब उससे बरामदगी के बाद पूछताछ की गई तो दारा सिंह द्वारा बताया गया कि ये डोडा पोस्त मैं बंता सिंह गुजर नाम के एक व्यक्ति से लाया हूं, जो कि अपने घर में स्टॉक रखे हुए हैं। तो उस इत्तला की जब तस्दीक की गई तो बंता सिंह गुजर के घर पे भी करीबन 24 किलो डोडा पोस्त मिला है, उसको भी हमने जब्त करके मुकदमा दर्ज किया है। दो प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। बंता सिंह के घर पे इस 24 किलो डोडा पोस्त के अतिरिक्त एक पिस्टल मिला है और खाली राउंड और भरे हुए राउंड भी 2-3 मिले हैं, जिसको हमने आर्म्स एक्ट में पंजीबद्ध किया है। दोनों मुकदमों में जो अनुसंधान है मेरे द्वारा किया जा रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं कि जो बंता सिंह है फरार मुलजिम है उसकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी हो और शेष जो आरोपीगण हैं जो इनको सप्लायर करते हैं इलाके में इस तरह की गतिविधियों को जो संश्रय देते हैं उन पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और गहनता से पूछताछ और अनुसंधान कर हम इसमें और आगे अच्छे से प्रयास करेंगे।